आवर मोटो डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे भी कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसके मिड पॉइंट से अगर इस मिड पॉइंट पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो जैसा इस साइड है डी टू वैसा इधर है, नहीं मिरर सिमेट्री है, जैसा इसके बीच में अगर ड्रॉ करें तो जैसा इस साइड है डी टू वैसा इधर है। तो इसका क्या एडवांटेज लेंगे, अब देखो एडवांटेज ये लेंगे कि अगर इधर आई वन करेंट है पर तो पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो जितना करंट इस साइड से जाएगा उतना ही करंट क्या होगा इस साइड से, नहीं इस साइड जितना इधर जाएगा उतना ही इधर क्या उतना ही निकलना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना इधर से जाएगा ऐसे करंट जाएगी तो उतनी करंट इधर से क्या होनी चाहिए निकलनी चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर क्या है निगेटिव टर्मिनल, क्लियर है। इसको बैटरी से अगर कनेक्ट करोगे तो अच्छा, इधर आई वन है तो डिक टू इधर आई वन भाई मिरर है ना, दैट्स वाई इसके करस्पॉन्डिंग। अगर इधर I2 है तो इधर डिक टू इधर क्या होनी चाहिए I2, अगर इधर I3 है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए I3, नहीं तभी तो अगर आप इसकी बात करेंगे, हम ऊपर वाले पहले बात कर रहे हैं। अच्छा इधर मान लेते हैं I4, तो डिक टू इधर भी I4 होना चाहिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इधर से मान लो I1 डैश, तो इधर से भी क्या मिलेगा हमको I1 डैश। हमको बेसिकली देखना है, इस पे फोकस करना है, ये क्या इलेक्ट्रिकली टच है कि नहीं, बेसिकली क्या टारगेट है, फिजिकली तो ये दिख रहा है कि टच है, लेकिन हमको देखना है कि इलेक्ट्रिकली ये पॉइंट जो है टच में है कि नहीं। इसके तीनों पॉइंट ये क्या सब ऐसे ही दिख रहे हैं, फिजिकली टच तो है लेकिन क्या इलेक्ट्रिकली टच है कि नहीं, अगर इलेक्ट्रिकली टच होंगे तो फिर देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ठीक है। तो हमको फोकस करना है इलेक्ट्रिकली टच यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, अब I1 डैश यहाँ पे I2, अब यहाँ पे देखो I2 डैश मानो तो इधर कितना होना चाहिए I2 डैश, यहाँ पे I3 डैश तो यहाँ पे I3 डैश, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो जितनी करंट इसमें जा रही उतनी करंट इधर निकल रही है, जितनी करंट इधर जा रही उतनी करंट बाहर निकल रही है, जितनी करंट इधर जा रही उतनी करंट बाहर निकल रही है यहाँ पे, नहीं ये करंट ऐसे चली गई, ये करंट ऐसे चली गई और ये करंट ऐसे चली गई। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये फिजिकली टच तो है लेकिन इलेक्ट्रिकली टच नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको ऐसे कर सकते हैं और इनको भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं अब हम नया डायग्राम बनाएंगे, ये आर और ये आर और आर कितना हो गया दैट इज टू आर, और ये कितना हो गया आर, ये आर ये आर फिर से आर आर और ये हो गया टू आर और ये हो गया आर, ये बी और ये हो गया ए और ये हो गया आर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, पहला टारगेट एकदम क्लियर है जैसा ये था, इसकी हेल्प से हमने इसको ड्रॉ किया, रिड्रॉ किया ना इसको हमने, क्या बस हमको यही दिखना था जो मिड पॉइंट पे है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिकली टच है कि नहीं, कि फेक है ये दिखने निकल के आया फेक है, फिजिकली टच तो है लेकिन इलेक्ट्रिकली टच नहीं, इलेक्ट्रिकल क्या आइसोलेटेड है, जब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है तो उसके बाद ये बना दिया। तो हमने देखा इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2R और R इनका करके देखोगे तो क्या मिलेगा 2R by 3, इनका भी 2R by 3, ठीक है। अब दिस वन दिस वन दिस वन इनको ऐड करो तो 2R plus 2R by 3 कितना मिलेगा दैट इज 8R by 3, ऊपर वाला आया 8R by 3, ये कितने हो गए 2R और ये कितने हैं, ये है आपका ये भी सेम 8R by 3, ये A और ये B, तो R of AB 1 by R of AB क्या मिलेगा 3 by 8R plus 3 by 8R plus 1 by 2R, तो नीचे हो गए 8R ऊपर हो गए 10, 1 upon R of AB, तो R of AB कितना हो गया दैट इज 4R by 5, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है।
4R/5। क्लियर है कि हमने क्या देखा, सबसे पहले देखना है कि सीरीज पैरेलल में कोई है कि नहीं, नहीं है तो फिर डिक्टो जाना है वीटी स्टोन ब्रिज पे, वीटी स्टोन ब्रिज इसमें मिलेगा नहीं तो हमको किस पे फोकस करना है, किस कंडीशन पे, सिमेट्री वाले पे करें। किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेट्री दिख रही है, फोल्डिंग से यहाँ पे मिरर सिमेट्री दिख रही है तो जिस जैसा इधर वैसा इधर है, तो उसकी हेल्प से हमने देखा ये फिजिकली टच है कि नहीं, फिजिकली टच नहीं है, ये सब इलेक्ट्रिकली क्या आइसोलेटेड है, दैट्स वाई फिर इसका कुछ नहीं बना दिया हमने। फिर ये सिंपल सा सॉल्व कर लो, इसके बाद ये डायग्राम, इसके बाद ये डायग्राम बना लो।